हेलो एंड वार्म वेलकम टू आइए ज्ञान राय। बच्चों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर हमको आईआईटी में एडमिशन लेना है तो आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए जेई एडवांस में कितने मार्क्स लाने होंगे। बच्चों अगर आईआईटी की बात आती है तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि आईआईटी सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है हमारे इंडिया में, और बेटा उस इंस्टीट्यूट को पाने के लिए लाखों छात्र हर साल तैयारी करते हैं। तो बच्चों आपको ये समझना होगा कि कितने मार्क्स की जरूरत है आपको आईआईटी कॉलेज के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों जैसे आपको पता होना चाहिए कि जो आईआईटी का जो पेपर होता है जेई एडवांस का, बेटा वो जेई एडवांस का पेपर आपका 360 मार्क्स का होता है। अब बेटा 360 मार्क्स का जो आपका पेपर है उसमें ध्यान देने की बात आती है कि आपको अगर आईआईटी की सीट सिक्योर करनी है तो मैं तुमसे बस इतना कहूंगा कि तुम अपना टारगेट बना लो 40% का। अगर तुम अपना 40% मार्क्स ले आते हो तो ये पक्का श्योर है कि तुमको आईआईटी की सीट से कोई भी हटा नहीं सकता। और बेटा आईआईटी की जो सीट है वो बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज कहीं ना कहीं जो टैग होता है आईआईटी का वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बच्चों मैं तुमसे बस यही कहूंगा कि आईआईटी में सीट सिक्योर करने के लिए तो अपना टारगेट 40% मार्क्स का जरूर बनाओ। अगर तुम 40% मार्क्स का टारगेट बनाओगे तो डेफिनेटली तुम्हारी जो सीट है वो तुम्हारी आईआईटी की हो जाएगी। और कोई भी प्रॉब्लम है इसके रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और अगर आप तैयारी करना चाहते हो कानपुर में आईआईटी के लिए तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आरएस इंस्टीट्यूट कानपुर में आप क्या एडमिशन ले सकते हो अपने आईआईटी का सपना पूरा करने के लिए। और बच्चों आपके लिए हम आईआईटी जेई के रिगार्डिंग और भी एस्पिरेंट्स लाते रहते हैं, तो जो भी बच्चे एस्पिरेंट्स देखना चाहते हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जेई एडवांस को और वीडियोस देखने के लिए जेई एडवांस पेज में जा सकते हैं, और जेई मेन के वीडियोस देखने के लिए जेई मेन प्लेस में जा सकते हैं, जहां आपको अलग अलग वीडियोस मिलेंगे जिससे आप क्या है अपने जेई एग्जाम के कंप्लीट नॉलेज को ले सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।